It is said that cleanliness is godliness. Perhaps this was the reason that Government of India has started Swachh Bharat Mission in 2014. And target of this mission was to eradicate open defecation. Yes, khullama shauch ne na paade che sarkar. Karan ke te khubaj hanikarak che. Apna ane apne samaj mate. इसी टॉपिक पर एक फेमस फिल्म भी बनी थी. कैन यू गेस स्विच? अरे यार स्कूल में नहीं, यो फ्री संडे छे, मोटे थी तो बोलो. यस, वेरी ट्रू. इट वॉज प्रेजेंटेड, इट वॉज बीन मेड टू गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी, टू द पुअर एंड इलिटरेट पीपल स्पेशली. फिल्म देखकर कभी ये नहीं सोचा था कि किसी ने सच में इसे उतारा है अपने जीवन में. टुडे वी हैव विद अस मिसेस रमीला गामे, अ ट्राइबल वुमन फ्रॉम आदिवासी विलेज टपरवाड़ा ऑफ आवर गुजरात स्टेट, हु मेड दिस मिशन द मिशन ऑफ हर ओन लाइफ. वातो तो साहेब बहुत थाय, पण जो कार्य थाय ने तो साचू कहवाय. हमारे देश में गंदगी का सबसे बड़ा कारण है ओपन डिफिकेशन, यानी कि खुले में शौच. और रमीला जी का गांव टपरवाड़ा भी इसी समस्या से जूझ रहा था. रमीला जी ने इस मिशन के बारे में सुना तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी. उन्होंने अपने मन में ठान ली कि वो अपने गांव को इस समस्या से मुक्त करवाएंगी. लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि टपरवाड़ा गाँव एक पहाड़ी इलाका है, होने के कारण यहाँ टॉयलेट का निर्माण करना आसान नहीं था. असंभव तो नहीं था, वे जानती थी. वहां कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं था. लेकिन रमीला जी ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने सबसे पहले एक सप्ताह तक खुद प्रशिक्षण ली, ट्रेनिंग ली. शी लर्न्ड मेसन वर्क. उन्होंने अपने आप कुहाड़ी उठाई. और यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने आप से करो. बी द चेंज इफ यू वॉन्ट टू सी चेंज इन द वर्ल्ड. शी एक्सेप्टेड दिस. इसीलिए रमीला जी ने सबसे पहला टॉयलेट अपने घर में बनाया. इस काम के बाद सभी गांव वालों ने इस बात को सराहा. उसी समय रमीला जी नारी से नारायणी बनी. इसके बाद तो रमीला बहन ने मानो ठान ही ली, उनमें पंख ही लग गए थे. उन्होंने अपने मोहल्ले में सभी घरों में टॉयलेट का निर्माण किया. इस कार्य में उनके साथ गांव की कई और महिलाएं भी जुड़ी. रमीला बहन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर खाने का डिब्बा लेकर अपने साथियों के साथ निकल पड़ती गांव के हर घर में टॉयलेट का निर्माण करने के लिए. देखते ही देखते 3 सालों में, यानी कि 2017 तक, उन्होंने पूरे गांव में 312 टॉयलेट का निर्माण कर दिया था. और इस काम के लिए रमीला जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से स्वच्छ शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. लेकिन रमीला बहन का सफर यहां खत्म नहीं होता. इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत के सभी 9 गांवों में जा जाकर टोटल 700 टॉयलेट का निर्माण किया. जब हर घर में टॉयलेट का निर्माण हो गया तो उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर भी टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया. लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं था. सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों की मानसिकता को बदलना, उन्हें यह समझाना कि खुले में शौच करने से कितनी तरह की बीमारियां होती है और अपने घरों में टॉयलेट बनवाकर इन जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है. रमीला जी ना सिर्फ लोगों की सोच बदलने में कामयाब हुई, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो महिला नहीं कर सकती है. बी इट द मेसन वर्क, कड़िया काम होए साहेब, तो पण खुददार छे अने एटलू बधु बावड़ा मां जोर छे के 700 टॉयलेट निर्माण करी शके छे. इसी के लिए रमीला बहन को समय समय पर कई 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 पुरस्कार प्राप्त हुए. आज हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है इस नारी तू नारायणी को सम्मानित करने का. आई वुड लाइक ध्रुति बेन ओझा टू कम ऑन द स्टेज एंड रिक्वेस्ट आर लवली वॉलंटियर्स टू प्लीज ब्रिंग रमीला बहन गामित ऑन द स्टेज.
સાહેબ 700 ટોયલેટ એટલે કઈ ઓછી વાત ના કહેવાય. 7 સેકન્ડ તો તાળીઓ સળંગ વગાડો. થેન્ક યુ. ये कहा जाता है कि जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है, और जहां संगीत होता है वहां महा सरस्वती का वास होता है. और आज इस मंच पर सरस्वती और लक्ष्मी साक्षात खड़े हैं. थैंक यू सो मच रमीला बहन, थैंक यू द्रुति बहन. Thank you.